ताकि हमारा कंबल अच्छे तरीके से साफ हो जाए और इसकी सारी जो दर्द है मैल की तैल वो सारी निकल जाए। तकरीबन 2 घंटे मैं इसको भिगो के रखूंगी और उसके बाद फिर हम इसको वॉश कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जनाब कंबल को भिगोए हुए हमें तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं, तो अभी हम 1 घंटा और रखेंगे, उसको भीगा रहने देंगे ताकि वो अच्छे तरीके से उसकी मैल खत्म हो जाए। तो अब हम केक का हम तैयारी कर लेते हैं केक बनाने की। तो इसके लिए जो हमने चीज़ें ली हैं वो हमने 3 अदद अंडे लिए हैं और सबसे पहले हम अंडों को ही डालेंगे बीच में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बनाएंगे मार्बल केक जो बहुत ही मज़ेदार बनता है और बहुत ही डिलीशियस बनता है। 3 अदद हम अंडे इसमें ऐड करेंगे और हमारी अबश भी आ चुकी है माशाल्लाह, जो कह रही है कि मैं नहीं बोलती मामा मैं वीडियो में नहीं बोलती, बाय बाय करो, बाय बाय करो, चलो आप इधर करो। तो इनको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि ये फ्लफी हो जाएं। और सुनाए जनाब क्या हाल है आपके, आप ठीक ठाक है ना? अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और ठीक ठाक रखे और अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर भी कीजिए। तो ये हमारे अंडे मिक्स हो चुके हैं और अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। चीनी हमने पीस ली है ये वाले, हम 2 कप चीनी ऐड करेंगे। चीनी मैं घर में ही पीस लेती हूँ, वैसे बाजार से पीसी हुई भी मिल जाती है लेकिन मैं घर में ही इसको पीसती हूँ। और इसको भी हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अब अंडे हमारे मिक्स हो चुके हैं और चीनी भी, और अब हम घी ऐड करते हैं। घी हमने लिया है तकरीबन 1 कप हमने घी लिया है, जिस कप से मैंने चीनी डाली है उसी कप से मैंने घी का भी लिया है। और अब हम घी को मिक्स करेंगे और साथ ही हम लहसुन भी, ये तकरीबन 2 ड्रॉप्स हम इसमें ऐड करेंगे ताकि जो अंडे की स्मेल वगैरह है वो ख़त्म हो जाती है इसके साथ। और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। और इसके साथ ही हम मैदा भी ऐड करेंगे। ये मैंने 2.5 कप मैंने मैदा लिया है, ये वाला कप, इसी कप से मैंने मैदे को नापा है और 2.5 कप मैंने
ये लिया है और इसको हम छलनी से छान लेंगे। ताकि इसमें जो घुटनियाँ वगैरह होती हैं वो निकल जाती हैं। आप भी जब बनाएं, केक बनाएं, कोई भी चीज़ बनाएं, तो लाजमी इसको छलनी के साथ छान लें। और ये वन टीस्पून हम इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे और ये हाफ टी स्पून हम इसमें बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। और अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। तो जनाब बैटर हमारा रेडी हो चुका है और अब हम अपने ये जिसमें हमने बनाना है स्मॉल को भी हम ग्रीस कर लेंगे घी के साथ, ताकि हमारा केक नीचे ना चिपके, ये लाजमी होता है। ये हमने अच्छे तरीके से ग्रीस कर लिया है। आप चाहें तो इसमें कोई पेपर वगैरह भी रख सकते हैं, लेकिन मैं तो ऐसे ही बना रही हूँ। ऐसे भी केक बिल्कुल ठीक निकल आता है बाहर। चलो ये ग्रीस हो चुका है हमारा और ये बैटर भी हमारा रेडी हो चुका है। अच्छे तरीके से मैंने मिक्स किया है इसको और अब हम थोड़ा सा बैटर इसमें ऐड करेंगे। इसमें हम कोको पाउडर ऐड करेंगे ये हाफ टेबल स्पून तकरीबन हम इसमें कोको पाउडर ऐड करेंगे और इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। ये मिक्स हो चुका है। और अब हम इसमें हाँ बेटा इसको बाहर रखो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब हम इसमें आप ध्यान से देखिएगा हम कैसे इसके लिए लगाते हैं। सबसे पहले हमने व्हाइट वाला ऐड किया, आप चाहें तो दूसरा भी कर सकते हैं, लेकिन हमने व्हाइट वाला ही ऐड किया। और इसके बाद हम इसको इसके ऊपर रखेंगे। और फिर ये और फिर ये और फिर हम इसको लगाएंगे और ऐसे ही हम सारा ये हमारा डिजाइन बन जाएगा ऐसे ही। तो जनाब हमारी लेयर्स बढ़ चुकी हैं और अब हम इसको ऐसे डिजाइन बना लेंगे ऐसे और फिर ऐसे और ऐसे करेंगे तो हमारा माशाल्लाह इतना प्यारा डिजाइन बन जाएगा। ये देखें ऐसे ही आप बड़ी आसानी के साथ बना सकती हैं और बहुत ही अच्छा केक बन सकता है। ये बहुत ही आसान है, बहुत कोई मुश्किल नहीं है। तो अब हम इसको रखेंगे
खोने के लिए। ये पतीला हमने पहले से ही रख दिया था, तकरीबन 10 मिनट मैंने रखा है, प्रीहीट होने के लिए रख दिया था। और अब मैं इसको, ये बीच में मैंने स्टैंड रखा है, आप चाहे तो कोई प्लेट वगैरह रख सकती हैं मेटल की। और तकरीबन 30 से 35 मिनट तक हमारा केक इंशाल्लाह बेक हो जाएगा। तो उतने देर तक हम अपने कंबल को वॉश कर लेते हैं। और फ्लेम आपने बिल्कुल कम रखनी है, इतनी ही फ्लेम आपने रखनी है। तो अब हम कंबल को हाथों के साथ अच्छे तरीके से हम इसको मलेंगे ताकि इसकी मैल निकल जाए और ये हमारा कंबल अच्छे तरीके से साफ हो जाए। मैं आपको ये बात बता दूं कि हमने जो है ना मशीन, वो हमने पीछे से ऑन नहीं की, हम वैसे ही ये टब यूज़ कर रहे हैं मशीन का, क्योंकि ये कंबल तो बड़ा होता है ना, ये इस मशीन में तो धोया नहीं जा सकता सूच लगा के। वो हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे ही, तो इसलिए मैंने मशीन में डाल लिया था ताकि पानी ना नीचे गिरे, क्योंकि बच्चे बार बार उधर जाते हैं, हाथ लगाते हैं और अपने कपड़े गीले करते हैं, तो इस वजह से। वैसे भी ये बहुत आसान है ऐसे मशीन में धोना, आराम से पानी भी निकल जाता है। अच्छे तरीके से हम इसको ऐसे करेंगे ताकि ये साफ हो जाए। तो जनाब हमने सिर्फ वाला सारा पानी निकाल दिया है, मैंने अच्छे तरीके से हाथों के साथ इसको मलाया और सारा पानी निकाला है। और अब हम नया पानी डाल के तो इसको हम वॉश करेंगे, 3-4 दफ़ा पानी डाला जाएगा तो फिर ये वॉश होगा। और माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से साफ हो गया है, तकरीबन 3 घंटे। तो जनाब ये देखें, कंबल को हमने वॉश कर लिया था और ये देखें सारा पानी माशाल्लाह इसका निकल गया है, ये कितना हल्का फुल्का सा हो गया है। ये देखें मशीन में कंबल धोना कितना आसान है और कितना ज़्यादा ये साफ़ हुआ है, आप देख सकते हैं। ये बहुत ही आसान है मशीन में कंबल धोना। तो ये भी हो गया हमारा, कंबल भी हमने धो लिया और हमारा केक भी माशाल्लाह रेडी हो चुका है। अब हम केक की तरफ चलते हैं, तो देखते हैं क्या सूरत हाल है। तकरीबन 35 मिनट हो चुके हैं और अब हम अपना केक चेक करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह हमारा केक भी रेडी हो चुका है, हम इसको नाइफ़ की मदद से चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें ये बिल्कुल साफ़ है। और अब हम इसको बाहर निकालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए कितना अच्छा डिज़ाइन बन गया है इसका। और अब हम इसके किनारे छिड़वा लेंगे ताकि ये आराम से बाहर निकल आए। तो आपने देखा हमारा दिन ऐसे ही गुजर गया, कंबल भी हमने धो लिया और केक भी हमारा रेडी हो गया है माशाल्लाह। तो अब हम इसको प्लेट में निकालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए माशाल्लाह, ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा हमारा केक रेडी हो गया है। और इसका स्पंज देखें माशाल्लाह, ये देखें। और अब हम आपको काट के दिखाते हैं, ये जिधर से हमने इसका ये डिज़ाइन बना है उधर से ही हम इसको काटेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितना प्यारा ये फ्लफी केक हमारा बना है और ये मार्बल केक हमारा माशाल्लाह रेडी हो चुका है। आप इसका स्पंज चेक कर सकते हैं, तो ये बहुत ही प्यारा केक हमारा बना है, तो आप भी ज़रूर बनाइए। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।